नमस्कार, मैं हूँ गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश के विकास में महिलाओं की भी पूरी पूरी भूमिका होती है, उसको देखते हुए हम देख रहे हैं लगातार सरकार हमारे देश की आधी आबादी यानी महिलाओं को लगातार आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है, चाहे सेना में माध्यम से, चाहे नौकरी के माध्यम से, चाहे योजनाओं के माध्यम से। और अब तो व्यवस्था ये है कि उत्तर प्रदेश या पूरे देश में स्थिति ये है कि जो राशन कार्ड हैं उनमें जो राशन कार्ड की जो मुखिया, जो पहले इस समय पुरुष होते थे, घर के बुजुर्ग होते थे, यहाँ पर महिला को रखा गया है, उसी हिसाब से राशन कार्ड अब बन रहे हैं। यहाँ पर मुद्दा यहाँ राशन कार्ड का नहीं है, मुद्दा केवल केवल महिलाओं की जागरूकता को लेकर है, महिलाओं के अधिकार को लेकर है। और जिस तरह से यहाँ पर महिलाओं को राजनीति में ना आने की सलाह दी जा रही है, वो मुद्दा आज का चर्चा का विषय है। ऐसे अगर मुद्दे की शुरुआत की बात करें तो गुजरात चुनाव के समय लगातार चर्चा बने हुए हैं, और गुजरात चुनाव में वहाँ अहमदाबाद की जामा मस्जिद के मौलाना शब्बीर अहमद ने एक बयान दिया। उन्होंने बयान में कहा कि मुस्लिम महिलाओं को शरीयत के मुताबिक राजनीति से दूर रहना चाहिए, उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए और राजनीति से दूर रहना चाहिए। उसके बाद इस बयान की हवा कम भी नहीं हो पाई थी। और उत्तर प्रदेश में बरेली के जो दरगाह आला हजरत से जुड़े संगठन हैं, वहाँ के मौलाना साहबुद्दीन रजवी बरेलवी, इन्होंने बयान दिया। इन्होंने कहा कि मैं उस बयान का समर्थन करता हूँ और निश्चित रूप से महिलाओं को टिकट नहीं मानना चाहिए और उनको चुनाव और राजनीति दूर रहना चाहिए। जहाँ एक तरफ कांग्रेस की प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जब लड़ी थी 22 का, तब उन्होंने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया था और 40% यानी 40% महिलाओं को यहाँ पर टिकट दिए थे, और ये हम सब देख चुके हैं। हालांकि उनको वो सफलता यहाँ पर नहीं मिल पाई थी जिस सफलता को सोचकर उन्होंने ये स्टोक कहा खेला था, पर निश्चित रूप से यहाँ पर उन्होंने ये प्रयास तो किए थे कि महिलाओं को यहाँ पर आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। और तमाम तरह के बयान यहाँ पर चल रहे हैं। असुद्दीन ओवैसी की बात करें तो लगभग एक महीने पहले उन्होंने भी बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि वो चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में कि एक हिजाब पहने महिला देश की प्रधानमंत्री बने। वो चाहते हैं कि वो अपने बनने से पहले इस तरह की एक बड़ी व्यवस्था देखना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश क्या देश, हमारे देश की जो प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी जो संवैधानिक कुर्सी है उस पर एक हिजाब पहने वाली महिला आसीन हो। ठीक है, उनकी अपनी इच्छाएं हैं। और तो जहाँ पर इस तरफ ओबीसी मुस्लिम महिला का यहाँ पर देश की सर्वोच्च संवैधानिक कुर्सी पर बैठने की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर गुजरात अहमदाबाद से मौलाना का कहना कि राजनीति में नहीं आना चाहिए शरीर के मुताबिक, और उसके बाद बरेली के मौलाना साहबुद्दीन रिजवी का कहना कि महिलाओं को राजनीति में नहीं आना चाहिए। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण और चर्चा का विषय है कि अभी जानकारी के मुताबिक प्रसिद्ध गीतकार और पटकथा लेखक यानी जावेद अख्तर, वो भी समय समय पर अपने बयानों की चर्चा में रहते हैं। उन्होंने भी एक छोटा सा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर पुरुषों को कई शादियों का करने का हक है, कॉमन सिविल कोड पर बात कर रहे थे वो, तो कहीं ना कहीं महिलाओं को भी हक मिलना चाहिए, महिलाओं को हक क्यों नहीं। तो इस पर जवाब भी आया। लखनऊ की सियाचार कमेटी के प्रेसिडेंट मौलाना सैफ अब्बास ने सीधा सीधा कहा कि इस तरह उनको नहीं कहना चाहिए और उनको सबसे माफी मांगना चाहिए। कोई बयान सुनते चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जो कोई भी औरतों को जो है टिकट देते हैं वो इस्लाम के खिलाफ जो है बगावत करते हैं, समझ गया, इस्लाम के खिलाफ उनका ये अमल है। आपको मर्द नहीं है कि आप औरतों को ला रहे हैं, इससे हमारा मजहब कमजोर होगा। शरीयत इस्लामिया ने मौजूदा इलेक्शन के ताल्लुक से औरतों के तहफ़ और उनके तकद्दस, उनकी पाकिजगी का ख्याल रखते हुए इलेक्शन लड़ने के लिए मना किया है, ताकि इसमें जो खराबियां हैं, बुराइयां हैं, उससे ख्वातीन महफूज रह सकें। मैं तो बोला कि इंशाल्लाह मेरी जिंदगी में या मेरी जिंदगी के बाद एक हिजाब पहनने वाली बच्ची भारत की प्राइम मिनिस्टर बनी। यहाँ महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात की जा रही है, महिलाओं को विकास की जो इस समय धारा बह रही है उसमें लाने की बात कही जा रही है, महिलाओं को यहाँ पर टिकट देने की बात कही जाती है, पर इन क्या दिक्कत है जो गुजरात के मौलाना बोल रहे हैं कि महिलाओं को राजनीति में नहीं आना चाहिए,
उसके बाद बरेली के मौलाना बोले कि उनको राजनीति में नहीं आना चाहिए, टिकट मांग कर चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। मैं पूर्ण चर्चा बिसाया हूँ, वहाँ से मेहमान जुड़ चुके हैं, आपको रूबरू करा दूँ। नेता भाजपा से यहाँ पर सपाल भाई अपना पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता सपा के रूप में शिल्पी चौधरी जी अपना पक्ष रखेंगी, ताहिर सिद्दीकी भाई नागरिकता पार्टी अपना पक्ष रखेंगे, और सैयद मोहम्मद तकी भाई आम आदमी पार्टी के फायरमैन नेता अपना पक्ष रखेंगे। यहाँ पर जो पहला हमारा सवाल रहेगा वो प्रवक्ता सपा से रहेगा। शिल्पी जी एक महिला भी है, और कैसे देखते हैं इन बयानों को, जिस तरह से बयान यहाँ पर अहमदाबाद में आए, उसका बरेली में आए, जहाँ एक तरफ हम आधी आबादी यानी महिलाओं को विकास की धारा में साथ चलने की बात करते हैं, और बड़े बड़े पदों पर यानी हमारे देश की प्रथम नागरिक द्रौपदी मुर्मू, आप जानते हैं महामहिम द्रौपदी मुर्मू, तो यहाँ पर फिर महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात पर क्या दिक्कतें हैं, किस तरह के बयान कैसे देखते हैं आप? बहुत ही बेतुके बयान है, और इससे कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति सहमत सकता जी। अगर तो कोई मौलाना ये कहते हैं कि महिलाओं को राजनीति में इसलिए नहीं आना चाहिए कि वो यहाँ की बुराइयों से बच कर रहे जी। तो मुझे लगता है कि मौलाना को बजाय इस अपील के पुरुषों से ये अपील करनी चाहिए कि वे महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल बनाए जी। तो ये कह देना कि महिलाओं को राजनीति में नहीं आना चाहिए, थोड़े दिन बाद आप कहेंगे कि महिलाओं को पढ़ाई नहीं करनी चाहिए जी। तो ये जो इतने लंबा सफर सभ्यता का, आजादी के बाद का जी। महिलाओं के लिए जो विशेष कानून लागू हुए, महिलाओं ने जो इतनी लड़ाइयां लड़ी, वोटिंग के राइट लिए पूरे विश्व में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व में जी। उन सबको ये धत्ता बता रहे हैं, तो ये जो है एक रूढ़िवादी विचार है जी। और इससे कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति सहमत नहीं हो सकता जी। जो लोग ऐसा सोचते हैं, मुझे उनके परिवार में उनकी महिलाओं के लिए थोड़ी चिंता होती है जी। कि उनका व्यवहार अपने परिवार की महिलाओं के प्रति भी बहुत अच्छा नहीं रहता होगा जी। तो निश्चित तौर पे भारत का कोई भी नागरिक इन बातों से सहमति नहीं कर सकता। और जावेद अख्तर ने बयान दिया है कि महिलाओं को भी पुरुषों की तरह शादी करना चाहिए, कॉमन सिविल कोड अगर लागू हो रहा है तो वो केवल केवल समुदाय पर लागू ना हो, महिला और पुरुष दोनों पर लागू होना चाहिए। अगर पुरुषों को नहीं, नहीं देखिए जावेद अख्तर साहब के बयान को ट्विस्ट मत करें। जावेद अख्तर साहब बहुत प्रगतिशील हैं, बहुत प्रोग्रेसिव विचारधारा के व्यक्ति हैं, और उन्होंने यहाँ बराबरी की बात कही जी। जिस तरीके से अगर आप कॉमन सिविल कोड की बात कर रहे हैं तो कॉमन राइट्स भी दीजिए, जितने राइट्स पुरुषों को हैं, पुरुषों को जितने अधिकार हैं उसी तरीके से अधिकार महिलाओं को होने चाहिए। महिला विधवा होती है जी। लेकिन पुरुष विधुर होता है तो उसकी चर्चा नहीं होती, पुरुष कभी विधवा होता ही नहीं, विधुर होता ही है तो उसकी चर्चा नहीं होती, उसकी चर्चा नहीं होती। तो ये एक दुर्भाग्य है कि आप किसी के जीवन को का निर्धारण कैसे कर सकते हैं, वैवाहिक स्तर पे। तो वो जावेद अख्तर साहब की बात और इस बात में जमीन आसमान का फर्क। पर यहाँ पर जिस तरह आपने देखा कि यहाँ पर क्या संस्था क्या मानती है कि मौलानों को क्या दिक्कत है कि अचानक इस तरह के बयानबाजी, जहाँ पर एक तरफ महिलाएं देश में प्रतिनिधित्व कर रही हैं, तो क्या सोच क्यों ऐसी आ रही है लगातार? फिर उत्तर प्रदेश में समर्थन हो गया। देखिए मैं तो ये मानती हूँ, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या जैन हो या सिख हो, कोई भी धर्म हो जी, महिला की लड़ाई और महिला का संघर्ष पुरुष से है जी, सत्ता का है जी। पुरुष तो चाहते ही है कि महिलाएं उनके प्रतियोगिता में ना आए सब। अच्छा। वो उनको हर तरह से, भाई उनका तो अपना एक कंपटीशन अपनी स्पीशीज में है, अपनी प्रजाति पुरुषों से ही है, और अगर एक महिला आके खड़ी हो जाती है तो हर एक पुरुष को दो तरफा प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है जी। तो उसको लगता है कि कम से कम एक मेरा प्रतिद्वंदी तो कम हो जाए जी। आड़ी तिरछी बातों से, तो ये सिर्फ इतनी सी बात है। और जहां तक असदीन ओवैसी साहब की बात है, तो उनकी बात की, उनकी भी मंशा बहुत अच्छी नहीं है। अच्छा। उनकी इस बात का मैं स्वागत तब करती जब वो कहते हैं कि मैं देश के सर्वोच्च पद पर मैं चाहता हूँ एक मुस्लिम महिला जी आसीन हो जी। हम सब उसका स्वागत करते हैं क्योंकि हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिए कोई भी महिला महिला है, वो हिंदू या मुसलमान नहीं है जी। हमें पता है कि हर महिला को उतने ही दर्द, उतने ही तकलीफें झेलनी पड़ती हर एक जीवन में जी। लेकिन हाँ, दलित और मुस्लिम महिलाओं के संघर्ष बढ़ जाते हैं जी। लेकिन ये कहना कि मैं चाहता हूँ हिजाब पहने हुए एक महिला जी, तो आप रेगुलेट क्यों करना चाहते हैं, किसी भी महिला के जीवन को नियंत्रित क्यों करना चाहते हैं? आपको ये क्यों लगता है कि महिला के पास अपना विवेक और बुद्धि नहीं होगा? अच्छा। हिजाब ही पहनेगी तभी वो जाकर, अभी ईरान में जिस तरीके से मॉरल पुलिस का जी खात्मा किया गया, एक बच्ची की हत्या और न जाने कितनी लड़कियों की हत्या कर दी गई किसी हिजाब विवाद के कारण,
उस विवाद को एक एलएलएम पढ़े हुए एक इतने बड़े व्यक्ति जो सांसद भी हैं जी, वो इस तरीके की बातें कहते हैं तो ये अच्छी बात नहीं भारत के लिए। ठीक है, ठीक है, ये भारत के लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं है, है किसी भी तौर। ठीक है समर भाई, कैसे देखते भाई इन बयानों को, अहमदाबाद के मौलाना का और बरेली के मौलाना का, भाई एक बयान देते उसे समर्थन करते हैं, क्या बात है? क्या धर्म में अगर नारी को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है देश में तो क्या दिक्कत है? ये कैसी कट्टर सोच है जी? नमस्कार करता हूँ और आपके चैनल से जी, जो लोग इस चैनल को और इस डिबेट को देख रहे हैं, मैं उन सबको से कहूंगा कि बहुत ध्यान से इसको सुने, बहुत ही अहम मुद्दा है जी। क्योंकि ये जो मौलाना नाम के प्राणी हैं, अच्छा ये आप देखेंगे गौरव भाई, इस देश में जितने भी मदरसे हैं वो सब उसमें मतलब हम पुरुष ही पढ़ते हैं, अच्छा, और पुरुष ही पढ़ाते हैं, अच्छा, महिलाओं के लिए दीन की मदरसे नहीं खुले। अच्छा, क्योंकि दीन की सच्चाई अगर महिलाओं को मालूम हो जाएगी तो इन मौलानाओं को, मैं भी मुस्लिम हूँ और जो भी मुसलमान है उनको घर में एक रोटी उनकी पत्नी नहीं बना के दे सकते जी। क्योंकि इस्लाम में जितने हुकूक दिए गए हैं, जो इन्होंने कहा कि जो है मौलाना इसको महिलाओं को जो है राजनीति में नहीं आना चाहिए, आप देखिए कुरान में ये भी कहा गया था कि तीन तलाक जायज नहीं है, लेकिन किसने कराया? जब मोदी जी आए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, मोदी जी ने कमान संभाली तो तीन तलाक पर कानून बना। ठीक, और ये जो मौलाना बयान दे रहे हैं और जो वैसी ये तो राजनीतिक व्यक्ति हैं, ये तो इस तरह का बयान देते रहते हैं कंट्रोवर्सी वाला, ताकि ये पब्लिसिटी इनकी होती रहे, अच्छा, और इनको लोग जो है सुनते रहे और टीवी पर इनके नाम पर बहस होती रहे कि साहब वैसी ने ये कहा। और एक तो राजपूत से जुड़े फिल्मी दुनिया से जिसको इस्लाम में कहते हैं हराम पेशा, अच्छा ये हराम पेशे वाले, अच्छा तो इनकी बात की कोई अहमियत नहीं है। और अब मैं जो बताने जा रहा हूँ कि जो शरीयत की बात कर रहे हैं कि महिलाओं को जो है राजनीति में नहीं आना चाहिए जी, तो मैं उन मौलानाओं को बताना चाह रहा हूँ कि जो बच्चा उससे पैदा होता है शरीयत में ये भी है कि वो उसको दूध नहीं पिलाएगी, अच्छा इसके व्यवस्था आपको करनी, और वो आपके माँ बाप को एक कप चाय या एक रोटी बनाकर नहीं देनी पड़ेगी, अपने माँ बाप को चाय और रोटी आप बनाकर दीजिए। कितने मौलाना अपने घर में अपनी बहुओं से काम कराते हैं, क्या जरा इसका ना इतनी पूरी डिटेल देंगे? नहीं देंगे। आप मांगिए इन लोगों से नहीं देंगे, कितना जुल्म करते हैं, कितनी शरीयत पर काम करते हैं। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये लोग बड़े प्यार से बता रहे हैं कि साहब राजनीति में आएंगी तो गलत दिशा में जाएंगी। मैं आपको गौरव जी एक बहुत अहम बात बता दूं जी। हेलो जी, आवाज आ रही मेरी? जी आ रही, बोलिए। हेलो जी, आ रही है, बताइए, बोलिए। हेलो जी, सफर भाई आ रही है, बोलिए आप, बोलिए। हेलो शायद उनका फोन संपर्क टूट गया। हेलो बिलाल, शायद संपर्क टूट गया। ठीक है सफर भाई, अभी आपको बात देता हूँ। ताहिर भाई किस तरह देखते भाई बयानों को, जिस तरह से यहाँ बयान लिए गए हो, कहा गया है कि मुस्लिम महिलाएं राजनीति में नहीं आए, टिकट देके चुनाव लड़ रहे हैं, गुजरात से शुरुआत हुई, वो गुजरात से शुरुआत होते होते अब एक मुद्दा यूपी में भी आ गया, यूपी के बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने भी इस पर समर्थन दे दिया है। क्यों कट्टर सोच है, क्या चाहते हैं कि मुस्लिम महिलाओं को यहाँ पर राजनीति में आने से रोका जाए, क्या दिक्कतें हैं और क्यों ये सोच रख रहे हैं अब इस? देखिए ये कोई मुद्दा ही नहीं है, ना ही ये कोई कट्टर सोच है जी, ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है, पार्ट ऑफ इस्लाम का एक हिस्सा है, अच्छा, और इसको कोई माने ना माने, अच्छा इस्लाम इसकी भी इजाजत देता है, अच्छा हाँ बिल्कुल इसकी भी इजाजत देता है। जब इस्लाम इस चीज की इजाजत देता है कि मैंने एक आपके लिए क्राइटेरिया बनाया है, आप उसको पार करना चाहे पार कर सकते हैं, इसके भी लिए भी आजादी है। लेकिन जो ये आप कह रहे हैं कि मौलाना ने ये बात कही, तो कौन मौलाना की ये बात मान रहा है? आप ये बताइए, इस्लाम का तो ये भी हिस्सा है कि औरत, अच्छा, को एजुकेशन भी दिया जाए और वक्त के हिसाब से उसको चलने का रास्ता भी दिया जाए, अच्छा। तो जो ये सिस्टम है, और हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं जी, इस देश ये कोई इस्लामिक देश नहीं है जी, तो जहां पर जब कोई भी महिला रिजर्वेशन हो जाएगा, कोई महिला रिजर्व सीट हो जाएगी, तो अब आप ये बताइए कोई अगर महिला को लड़ना होगा तो कहां से कोई आदमी, या कोई कोई मर्द तो महिला नहीं बन जाएगा, बिल्कुल, तो उस जगह पर तो महिला ही को लड़ना पड़ेगा जी। तो सबसे अहम बात है कि ये इस्लाम का हिस्सा तो जरूर है, लेकिन इस्लाम ये किसी के ऊपर जबरदस्ती थोप नहीं रहा है कि आप इसको मानिए, अच्छा, तो ये कोई मुद्दा ही नहीं है, अच्छा मुद्दा ही नहीं है। मार्केट में, बाजार में जब औरत निकल सकती है
जब कहीं पर खरीदारी करने जा सकती है तो ये भी काम कर सकती है। और एक बात जो भाई साहब अभी कह रहे थे कि ये जो मौलाना एक ऐसे प्राणी है, देखिए मौलाना का काम है दीन की बात करना, जैसे कि साधु है, पंडित है, अच्छा, या कोई ऋषि मुनि है, वो अपने धर्म की बातों का प्रचार करता है। धर्म प्रचार है क्या ये? धर्म का प्रचार कर रहे हैं? नहीं नहीं, धर्म का प्रचार नहीं, ये धर्म की कोई एक बात है, मेरी आवाज एक बात है, कोई कहीं से हो गया था, मैं प्रचार में बताता हूं इन लोगों का जी, इस महान इसको मुद्दा ही नहीं, मौलानाओं का अत्याचार और जुल्म बताता हूं मैं अभी आप, ये जब कोई मुद्दा नहीं समझा जाता। और अभी एक साहब ने कहा कि औरत अगर जो है लड़के के बाप को रोटी बना करके देना चाहे तो वो दे सकती है, उसको कोई अधिकार नहीं। ये सच है, इस्लाम कहता है कि पति का तो अधिकार है, पत्नी पति का, बच्चे का दूध, लेकिन उस पति के बाप को वो खाना या उसके कपड़े धुलना या उसके माँ का खिदमत करने का कोई वो नहीं है। लेकिन तालीम जो शिक्षा है, शिक्षा तो ये कहती है कि अपने पड़ोसी का भी ख्याल रखिए, आप आसपास के लोगों का भी ख्याल रखिए। तो अगर वो आपके सास ससुर है, तो अगर कोई महिला अगर इस्लाम का ये बात मानती है और वो किसी चीज का ख्याल रखती है, तो तालीम की कमी है फिर, ये तो एक अलग चीज है भाई। मेरा सवाल अधिकार, अधिकार और अधिकार महिला को दिए गए हैं जी ताहिर भाई, अधिकार के साथ साथ जी, लाइफ ऑफ स्टाइल जी, आप जिएंगे कैसे जी, इसका भी आपको 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 सोचना। ताहिर भाई मेरा कहना है, जितने भी फतवे जारी होते हैं और जो भी बात कही, अभी दिल्ली के इमाम बुखारी ने भी कहा था कि जामा मस्जिद में वहाँ महिलाएं ना जाएं, बाद में आदेश वापस ले लिया गया था। सारे महिलाओं के लिए इस तरह के आदेश जारी क्यों होते हैं? पुरुषों के लिए जारी क्यों नहीं होते हैं? क्या बात है, महिलाओं को यहाँ पर टारगेट क्यों किया जाता है? और जब महिलाओं के लिए बात होती है, अगर विरोध की बात है तो तमाम लोग बोलना शुरू कर देते हैं, पर अगर महिलाओं को सपोर्ट करने की बात है तब हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोग अपने बयान नहीं देते हैं। क्या सोच है इसके पीछे? देखिए सही कहा आपने जी, देखिए कुदरत ने, ये प्राकृतिक नियम है, अच्छा, इसको चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे मुस्लिम ला हो, चाहे किसी भी चीज का, ये एक फर्क कुदरत ने बनाया है, अच्छा, महिला और पुरुष में ही फर्क है, अच्छा, उसकी बॉडी लैंग्वेज में फर्क है, अच्छा, उसकी बनावट में। ये कौन सी बात हुई? अरे अगर बॉडी पुरुष से पर जारी कर दो आप, ये कौन सी बात हुई? ताहिर भाई पतवे की बात नहीं कर रहा हूं, इंदिरा इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहा जाता है। देखिए प्रकृति से अगर कोई छेड़छाड़ करेगा तो वो हमेशा नुकसान में जाता है, अच्छा, जिस तरीके से क्या ताहिर भाई कितनी बोल रही है, मेरा सुनाम ना लड़े, कटकाठी ऐसी है। इस्लाम इस्लाम का हिस्सा एक अलग है और इस्लाम के विरुद्ध अगर आप जीना चाहते हैं वो एक अलग चीज, वो आप आजाद है। और हमारे भारत का संविधान इतना अच्छा संविधान है कि इसमें सभी को अधिकार दिए गए, महिला को भी अधिकार है, पुरुष को भी अधिकार है। अरे इतना अधिकार दे दिया गया, जब महिला महिला से शादी कर सकती है और महिला शादीशुदा होने के बावजूद अगर उसका किसी से अफेयर हो जाता है तो वो पुरुष के ऊपर उसका पति उसके उसके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं कर सकता। तो जब हमारा संविधान ये अधिकार दे सकता है तो ये कोई अधिकार नहीं छीन रहा है, अच्छा, कि वो चुनाव नहीं लड़ सकती है, ये नहीं कर सकती है। वो एक मौलाना ने अपना इस्लाम का एक हिस्सा बताया तो वो बताने बताई जाए, समर्थन करते विरोध करते हैं। देखिए ये देखिए इस्लाम इस्लाम के नजरिए से, इस्लाम के नजरिए से देखा आप जाए क्या है? तो वो एक नहीं, इस्लाम के नजरिए से देखा जाए तो वो बात जो कह रहे हैं वो इस्लाम के नजरिए से इस्लामिक लॉ के हिसाब से सही है। जैसे हमारे संविधान में अगर कोई अभिव्यक्ति की आजादी में कोई लॉ है तो लॉ के हिसाब से अगर कोई काम है तो वो उस लॉ के हिसाब से माना जाएगा, लेकिन अगर उस लॉ के विरुद्ध कोई काम कर रहा है यहाँ पर कंडीशन ये अप्लाई होती है बस जी। ताहिर भाई, ताहिर साहब जी, सवाल भाई एक मिनट, ताहिर भाई आपने बताया नागरिक एकता पार्टी के परिषद अध्यक्ष हैं आप, आपके मुताबिक आप इस बयान का समर्थन करते हैं कि विरोध करते हैं? देखिए मैंने आपको साफ तौर पे एक बात क्लियर कर दी जी, कि मैं एक मुसलमान हूँ जी, और मुसलमान होने के नाते और मैं एक सबसे बड़ा भारतीय कौन से मुसलमान है का मानने वाला। प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कहा जिस देश में रहो उस देश के संविधान को भी मानो, उस देश से मोहब्बत भी करो, अच्छा। जब इस देश के संविधान ने हमें अधिकार दे रखा है तो मैं उस अधिकार का जो है इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैं उस अधिकार को समर्थन करता हूँ। और जो ये बयान है वो इस्लामिक कानून के परिपेक्ष में है तो वो इस्लाम का हिस्सा है, उसका कोई विरोध नहीं। ठीक है ठीक है, सवाल भाई कुछ बोलना चाह रहे थे बताइए। मैं ताहिर भाई से एक चीज पूछना चाहता हूँ, हमारे नबी ने कहा कि जिस मुल्क में रहना उस मुल्क के कानून को मानना, हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान जी। और ये बात कर रहे हैं, मैं
इनके माध्यम से ही और आपके चैनल से इन उलमाओं से पूछना चाहता हूँ कि अगर शरीयत में किसी महिला को किसी का सभी महिलाओं को मस्जिद में नमाज पढ़ने का हक दिया गया तो भारत के अंदर मुस्लिम महिलाओं को मस्जिद में नमाज पढ़ने से क्यों रोका गया, इसका जवाब ताहिर भाई मुझे दे, मैं सुनना चाहूंगा और इस प्रदेश के मुसलमान सुनना चाहेंगे। ताहिर भाई बताइए जल्दी। मुस्लिम महिलाओं का शरीयत में ये अधिकार है कि वो मस्जिद में नमाज पढ़ेगी, जो फर्ज नमाज है वो इमाम के पीछे पढ़नी चाहिए, उसको पूरा हक दिया गया है, भारत में उस पर प्रतिबंध क्यों, इसका जवाब दे मुझे। देखिए जो भाई साहब ये जो बात कह रहे हैं कि इस पे कोई प्रतिबंध है, ऐसा कोई प्रतिबंध ही नहीं। अच्छा कोई प्रतिबंध है? आप बताइए, आप लखनऊ में रहते हैं, कितनी मस्जिदों में मुस्लिम महिलाएं नमाज पढ़ती हैं, मुझे तो बताइए, जवाब दीजिए। कोई प्रतिबंध नहीं है, जवाब दीजिए। एक्चुअली होता क्या है, क्या मौलानाओं की नीयत खराब है नमाज औरत पढ़ सकती है, क्या मौलानाओं की नीयत खराब है औरत पर, बताइए मुझे। एक वक्त क्यों नहीं आती नमाज पढ़ने, क्यों रोक लगा रखी है आपने? और औरत जब एक साथ नमाज मर्द औरत की बात ना करिए, मर्द औरत दुनिया में बनाई गई अल्लाह ताला ने बनाया है, जानवरों को भी पैदा किया है, लेकिन जो शरीयत में अधिकार है कि मुस्लिम महिलाएं मस्जिद में नमाज पढ़ेंगी, भारत के अंदर उनको क्यों रोका गया, इसका जवाब दे मुझे। सफर भाई जवाब ले, इंसान के अंदर नफ्स होती है, नफ्स देखिए नफ्स क्या करती है, आपको मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। देखिए कोई मतलब जैसे इस देश के मौलानाओं की नियत खराब है और पर टेस्ट तो पहुंचाता है, रखी है नुकसान करता है। जब नबी ने जब शरीयत की इजाजत दे रही है आप नफ्स पर कंट्रोल करेंगे, इसी को तो इस्लाम कहते हैं कि आप अपनी नफ्स पर काबू कीजिए। आप 14 साल अलीबद की डिग्री लेते हैं, ताहिर जी जवाब दीजिए, ताहिर जी सवाल कंप्लीट होने दीजिए। तो होता है नहीं, ये सुनेंगे नहीं, नेगेटिव होती प्लस माइनस होता है। 14 साल अलीबद की डिग्री लेते हैं, 20 साल में मुफ्ती की डिग्री लेते हैं और अपनी नियत पर काबू नहीं कर पाते, थोड़ा इससे बचने के लिए काम किया गया है। जैसे कि एक भाई के साथ एक घर में न सोए, क्योंकि कहीं पर भी शैतान उसके अंदर गलबा डाल सकता है और गुनाह कर सकता है। अच्छा, ये ऐसे कांड हुए हैं भारत के अंदर, कांड हुए हैं। ताहिर भाई ने ताहिर भाई एक बार का जवाब दीजिए, जो ये महिलाओं का विरोध कर रहे हैं उनको शैतान ने बहकाया क्या? ऐसी जगह पर ऐसी कंडीशन ना होने पाए, इसके लिए बचाव के लिए बात की गई है। ये कोई कानून नहीं है, ये कोई कानून नहीं है। आज ये साबित हो गया कि 14 साल पढ़ने के बाद, 20 साल पढ़ने के बाद आलिम और मुफ्ती की डिग्री लेने के बाद वो बलात्कार कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। अच्छा। महिलाओं को नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए मस्जिद में? अच्छा चले ठीक, महिलाएं नहीं जाती, उनकी नियत खराब है, इजाजत है जी, हर चीज पे बैठकर फतवा जारी कर देते हो। औरतें बाजार पे जा रही हैं, मस्जिद जा रही हैं, बाजार जा रही हैं। सिर्फ सिर्फ को समझ नहीं आ रही है, ठीक है आप होते कौन है महिलाओं को चुनाव दिल, ठीक है सिर्फ वाले शिल्पी जी से जवाब ले लो, वो भी कुछ समय के लिए जुड़ी हुई है। किसी मस्जिद में तकरीर करते हो औरतों के? शिल्पी जी यहाँ पर ठीक है, समाप्त हो गया। शिल्पी जी यहाँ पर जैसे ताहिर सिद्दीकी ने कहा कि प्रकृति के हिसाब से ऐसी व्यवस्थाएं हैं, अब बताइए हमारा देश जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और वहाँ पर जहाँ पर महिला पुरुष महिला जो ही प्रकृति में जिसको जन्मदाता बोला जाता है, अभी तक ऐसी व्यवस्था तो लागू हुई ही नहीं है कि पुरुष ने किसी को संतानोत्पत्ति की हो, महिला ही जन्मदाता है। और अगर जब महिला जननी है तो यहाँ पर महिलाओं को यहाँ पर आगे बढ़ने से रोकने की जो यहाँ पर कवायद शुरू हुई है गुजरात से लेकर बरेली तक, उसमें यहाँ पर निश्चित रूप से विरोध होना चाहिए, पर यहाँ पर समर्थन की बात कही। देखिए मैं तो धार्मिक मामला है जी, तो मैं इसमें पहले ही अग्रिम कि मेरा कोई तथ्य गलत हो तो मैं आपके धर्म के बारे में उतना नहीं जानती हूँ, तो मैं पहले ही हाथ जोड़ के माफी मांग लेती हूँ। लेकिन जितना मैंने जाना है, एक आयशा बीबी प्रतिबंध लगा रखा है मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, आयशा बीबी जो थी वो मुस्लिम स्कॉलर भी रही हैं और वो पूरा बिजनेस रूट चलाती थी। अच्छा। आप ये समझिए कि वो बहुत बड़ी मोहम्मद साहब की पत्नी थी शायद, तो ये वो इस्लाम वो शरिया है क्या जो इतना कभी किसी जमाने में प्रोग्रेसिव रहा करता था, आज वो इतना रिग्रेशन की ओर जा रहा है, तो ये बड़ा शर्मनाक बात है। और महिलाओं को अगर आप कहते हैं कि पुरुषों से बचिए, बाहर नहीं जाइए क्योंकि पुरुष खराब है, तो इसका मतलब आप अपनी नीयत पे काम करें ना। बहुत सही बात, आप अपनी नीयत पे काम करें। और ऐसा नहीं है कि महिलाओं को संरचना अलग है तो महिलाएं किसी काम को करने के काबिल नहीं है। आज मुस्लिम लड़कियां डॉक्टर भी हैं, IPS भी हैं, IAS भी हैं,
फाइटर पायलट्स भी हैं अफगानिस्तान या पाकिस्तान जैसे देशों में मुस्लिम महिलाएं बहुत कुछ कर रही हैं। और मैं आपको बता दूं कि यही रवैया है भारतीय पुरुषों का, जिसके कारण एशिया में सबसे कम राजनीति में महिलाएं भारत में हैं। हमसे ज्यादा महिलाओं का प्रतिनिधित्व बांग्लादेश और पाकिस्तान में है, सही बात कही आप, उसके विधानसभा और संसद में। तो थोड़ा जी शायद और वैसे भी कहावत है कि एक महिला पढ़ती है तो पूरे परिवार को पढ़ाती है। उस एक महिला का पढ़ने का मतलब 10 लोगों का पढ़ना जी। और एक महिला का आगे निकलने का मतलब आपकी कौम की तरक्की, आपकी समाज की तरक्की। बेशक अगर आप अपने समाज और कौम की भी बात करें तो महिलाओं की तरक्की मतलब आपकी तरक्की। तो इस तरीके की बातें मुझे नहीं लगता किसी आलिम को, किसी मौलवी को, किसी मुफ्ती को करनी चाहिए। बिल्कुल गलत बातें हैं महिलाओं के तौर पे। और मैं अब क्षमा चाहूंगी कि मेरी दूसरी बहुत धन्यवाद शिल्पी जी, बहुत धन्यवाद आपका जी, बहुत जी। तकी भाई, पर यहाँ पर जिस तरह हमने देखा कि यहाँ पर जहाँ पर एक तरफ देश को आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं का पूरा साथ लिया जा रहा है, उनको प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है, रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है, बड़े बड़े पदों पर वो उस समय अपना काम करती नजर आ रही हैं, कैसे देखते हैं आप इस तरह के बयानों को गुजरात से लेकर बरेली तक? देखिए भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको लोग बोल रहे हैं, अच्छा बोलते रहे, उनके बोलने से संविधान पे कोई फर्क नहीं पड़ता। संविधान अच्छा। जो है वो जो कानून नियम है उसके अनुसार चलता रहेगा जी। और भारत की जो लोकतंत्र है वो न्याय द्वारा चलने वाली व्यवस्था है जी। जहाँ पे न्यायालय है, न्यायाधीश हैं, न्यायपालिकाएं हैं और कानून है जी। तो कानून विधि अनुसार देश हमारा चलता रहेगा, किसी के बयान देने से कोई फर्क नहीं पड़ता जी। दूसरी बात रही कि महिलाओं को अधिकार है, था, हमेशा रहेगा। इस्लाम ने भी महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिया, बराबरी का अधिकार दिया और रसूल सल्लम जो इस्लाम को लेकर आए वो महिलाओं को बहुत सम्मान किया करते थे। उनके दरबार में जब कोई महिला आती थी तो आप रसूल सल्लम उनकी अजमत के लिए, इज्जत के लिए उठ के खड़े हो जाया करते थे। ये महिलाओं का सम्मान था, ये महिलाओं की रिस्पेक्ट थी और इस्लाम को फैलाने में मर्दों का जो रोल रहा उससे कहीं ज़्यादा रोल जो है वो महिलाओं का रहा। इसमें बीबी खदीजा भी थी जिन्होंने जो बहुत पैसे से रिश थी और उन्होंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है उन्होंने उनकी इमदाद की, उनकी मदद करी। और हमने देखा बीबी फातिमा अलैहिस्सलाम जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी उन्होंने बहुत इस्लाम के लिए काम किया। ये बीबी जैनब की भी नाम आता है, बहुत सी महिलाओं का नाम आता है जिन्होंने बड़ा अच्छा, वो उतनी मोतबर हैं, उतनी इज्जत के लायक हैं जितनी रसूल अल्लाह सल्लम हैं और उन्होंने हमेशा उनकी इज्जत की, उनकी उनके साथ प्यार मोहब्बत से रहे, मतलब उनकी बड़ी इज्जत करी। और इसीलिए इस्लाम ने महिलाओं को प्रॉपर्टी में भी अधिकार दिया है, बाप की जायदाद में भी अधिकार दिया है और महिला और इस्लाम ने कहा कि शादी जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, अच्छा वो एक रसम नहीं है या कोई जन्म जन्म का नाता नहीं। शादी जो हो रही है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये शरीयत में कानून की व्यवस्था की गई है और शादी कभी भी जो है वो मर्द की मर्जी से नहीं हो सकती अच्छा। जब तक औरत रजामंद ना हो, क्योंकि अच्छा। इसलिए मौलवी जो है मर्द से पहले औरत से पूछने जाते हैं कि आप इस निकाह के लिए राजी हैं। ये 1400 साल पहले इस्लाम ने व्यवस्था बनाई थी, औरतों ने जो औरतों को जो इस्लाम ने अधिकार दिया वो देश के लिए नहीं, दुनिया के लिए, इंसानियत के लिए, पूरी इंसानियत के लिए एक वो है। देखिए नाम से मुसलमान होना और मुसलमान को असल जिंदगी में लाना ये दो अलग बात है। और इस्लाम ने जो भी लिखा है वो बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छी बातें हैं वो शरीय कानून में। ये नहीं पढ़े थे क्या सबीर अहमद? ये नहीं पढ़े थे क्या आपके? देखिए हर आदमी को लाइमलाइट में रहने का, न्यूज में रहने का, मीडिया में रहने का शौक है। वो इस तरह के बयान देते हैं कि उनको मीडिया में लगा ली जाए और उनके ऊपर बात की जाए, लेकिन ये बातों को मैं पूरी तरह से इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी खारिज करता हूँ और शरीयत के मेयार से भी इस बात को मैं खारिज करता हूँ। और अभी हमारे भाजपा के शफात हुसैन साहब कह रहे थे कि नमाज कहाँ होती है, तो मैं बताता हूँ इसी लखनऊ में आसी मस्जिद में कल्बे सादिक साहब मरहूम जो नहीं रहे उन्होंने जो है औरतों के लिए नमाज का बंदोबस्त किया था कि साथ में नमाज पढ़ें इमाम के पीछे। और हमारी जो हम जहाँ हम रहते हैं सराय मालिका में मियां इलमास की मस्जिद में, वहाँ भी हम औरतों से कहते हैं कि आएँ और नमाज पढ़ें और कई मरतबा कई मौक़ों पर वहाँ औरतें आती मस्जिद में नमाज अदा करती हैं। तो इस्लाम जो है औरत में मर्द में फ़र्क नहीं करता, बराबर का हक देता है और बराबर की बात करता है। हाँ वो ये जरूर करता है, औरत को इस्लाम ज़्यादा प्रीशियस समझता है
अच्छा। ज्यादा कीमती समझता है अच्छा। इसलिए वो औरत के प्रोटेक्शन के लिए ज्यादा प्रतिबद्ध है अच्छा। और औरत को प्रोटेक्ट करना चाहता है अच्छा। अभी आपने देखा आपने इसी ईरान के भुट्टो को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। नहीं बिल्कुल लड़ना चाहिए। मैंने कब कहा चुनाव लड़ना, मैंने तो चुनाव की बात की नहीं। मैंने कहा वो प्रोटेक्ट ज्यादा करता है, उसकी रक्षा सुरक्षा ज्यादा करता है। अभी शिल्पा जी ने जो बात कही ईरान की, ईरान में हिजाब को लेकर बहुत ज्यादा विवाद हुआ और वो कुछ ही लोगों में था, बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन उसी ईरान के अंदर औरतों को आर्मी में लिया जाता है, उसी ईरान के अंदर औरतें कमांडो हैं, उसी ईरान के अंदर औरतें फाइटर हैं। तो हमारे भारत के अंदर भी, हमारे भारत के अंदर जिस देश के अंदर हम रह रहे हैं, हम उस देश की बात करें, ईरान की बात क्यों करें, हम ईरान इधर उधर निकल जाते हैं, हमें ये नहीं करना चाहिए। हम उस देश की बात कर रहे हैं, हमारे देश में महिलाएं फाइटर प्लेन भी उड़ा रही हैं, हेलीकॉप्टर भी उड़ा रही हैं, साइंटिस्ट भी, डॉक्टर भी हैं, महिला वर्कर भी हैं, नर्सेज भी हैं, हर जगह औरतें अपना रोल अदा कर रही हैं। और जब औरतों की बात आती है तो वो आधी आबादी की बात पर है। यहाँ पर तकी भाई, हमारे ताहिर भाई बोल रहे थे कि देश संविधान के हिसाब से चलता है और निश्चित रूप से यहाँ पर संविधान के हिसाब से देश में महिलाओं को यहाँ पर चुनाव लड़ने की आज़ादी है और लड़े। पर इस्लाम के मुताबिक ऐसी व्यवस्था है कि आपको शरीयत के मुताबिक ऐसा नहीं करना चाहिए, राज्य नहीं आना चाहिए। ये ताहिर भाई के बयान थे। देखिए तो फिर इस्लाम पे आ गए। इस्लाम कहता है कि मजहब में किसी पे जबरदस्ती नहीं है। अच्छा, इस्लाम कहता है कि तुम उतना करो जितना तुम कर सकते हो अच्छा। और अपने दिल से अल्लाह की बात करो, तुम्हारे पे कोई जबरदस्ती तुम कर सकते हो तो अच्छी बात है अच्छा। और तुम नहीं कर सकते हो तो अपने दिल में बोझ ना रखो। अल्लाह जो है बहुत इस्लाम में कुरान शरीफ जो बहुत अच्छी किताब है, मैं एक लाइन पढ़ता हूँ, शुरू होती है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कुरान शुरू यहीं से हुआ है। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत रहम दिल वाला है, जो माफ कर देने वाला है। अल्लाह जो है जालिम नहीं है। अल्लाह के और भी नाम है, जब्बार हो, कहार हो, रिसो, कुद्दूस हो, ऐसे 99 नाम है अल्लाह के। लेकिन जब इस्लाम में कुरान शुरू हुआ, कुरान जो इस्लाम की सबसे पाकीज़ा किताब है, सबसे माने जाने वाली किताब है, उसमें शुरू होता है सलाम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो रहम दिल है और नरमी से पेश आने वाला है। अच्छा, तो अगर हम रहम दिल नहीं होंगे, नरमी से पेश नहीं आएंगे, तो हमारे समाज की सारी व्यवस्थाएँ तहस नहस हो जाए। तो इसलिए इस्लाम में औरतों को बड़ा समझदार माना गया है, उनको बड़ा प्रीशियस माना गया है, उनको प्रोटेक्ट किया गया है और उनको एजुकेशन में, शिक्षा में बराबर का अधिकार दिया है उनको। तो यहाँ पे ये मौलाना प्रोटेक्ट कर रहे थे कि रोक रहे थे? देखिए, बहुत पहले एक शेर कहा है, मेरे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। अच्छा, मेरे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी। अच्छा, उनका जहन, उनकी अक्ल, उनकी जबान, वो जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं, उनको अभिव्यक्ति की आजादी है। अच्छा, लेकिन अगर आप मुझसे पूछे क्या इस स्टेटमेंट में एग्री करता हूँ, तो मैं कंप्लीटली डिसएग्री करता हूँ। और मैं कहता हूँ, एक छोटी सी बात कहूंगा मैं आपसे, 30 सेकंड लूंगा आपसे। देखिए, आज की डेट में दुनिया में बहुत कंपटीशन हो रहा है। हम 200 मुल्कों से कम्पीट कर रहे हैं। अगर कोई एथलीट, समझिए 100 मीटर गोल्ड मेडल की रेस है या 400 मीटर की रेस है, उसमें आदमी दौड़ा अपने शरीर के साथ, अगर उसके शरीर का 1% हिस्सा भी अप्रोप्रिएटली काम ना करे, तो वो गोल्ड मेडल नहीं पा पाएगा। वो माइक्रोन्स में, सेकंड के अंदर वहाँ देखा जाता है, सेकंड के 100वें हिस्से में देखा जाता है कि कौन आदमी निकल गया। अगर आपका जिस्म का 1% भी हिस्सा सही से काम नहीं कर पाएगा, तो आप वो गोल्ड मेडल नहीं जीत पाएंगे। और हमारे जो महिलाएं हैं, वो हमारे शरीर का 50% हिस्सा है। तो आप आधे अपाहिज होके गोल्ड मेडल नहीं जीत सकते। रेस बहुत टफ है। हमें औरतों को तो अपने हिसाब से आगे रखना है। आप कह रहे हैं साथ में, हम तो कहते हैं औरतों को आगे रखिए, उनको आगे लेके चलिए। और हम अगर अपने आप को कहते हैं कि हम मर्द हैं, तो मर्दगानगी औरतों को दबाने में नहीं है, उन पे चिल्लाने पे नहीं है, उनके हक को मानने पे नहीं, मर्दानगी है कि हम औरतों के आगे रखिए, उनके पीछे चलिए, उनको अपने से मजबूत बनाइए। क्योंकि मजबूती और तगड़ी होगी आपकी समाज की, आपके देश की। मैं ये मानता हूँ, आम आदमी पार्टी ये मानती, इसलिए आम आदमी पार्टी ने आपकी सभासदी के चुनाव हुए थे, कुछ ज्यादा लोगों को सीटें नहीं निकाय चुनाव में। देखिए, ताहिर भाई ने जो बात कही है वो बहुत, मैं एक हद तक मैं उनसे सहमत हूँ। अच्छा। लेकिन चूंकि हमारा और ताहिर भाई का जो मसलक है वो बहुत अलग है। अच्छा। जो हमारा जो मसलक है, हाँ। उस मसलक के जो मौलाना है वो मुस्लिम महिलाओं को मशीन समझते हैं। अच्छा। वो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसलिए आप देखिए, सानिया मिर्जा को, हाँ। गेम को नहीं देखा उन्होंने, खेल को। अच्छा। सानिया मिर्जा पर तुरंत फतवा जारी कर दिया। अच्छा। ठीक है कि सानिया मिर्जा को आप ये छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। अच्छा। अरे तुम काहे उसको देख रहे हो, उसके गेम को क्यों नहीं देख रहे हो? तो ये जितने मौलाना हैं, इन्होंने इनकी, चूंकि ये इनका मसलक अलग है, तो इनके यहाँ नमाज मैं मानता हूँ, कलबे सादिक साहब, हाँ, इमाम बड़े, इमाम बड़े में नमाज होती है, इन्होंने सही कहा। लेकिन आप सुन्नियों की मस्जिद में बताइए, जैसे खालिद रशीद साहब है, जो बरेली के मौलाना है, बरेली शहर में चले जाइए, आपको औरतें नमाज पढ़ती हुई नहीं मिलेंगी। जुमा
फर्ज है जितना मर्दों पर उतना औरतों पर, लेकिन जुमे का जो फर्ज नमाज का सवाब है वो औरतों को मस्जिद में नहीं मिलता है, उसका खुतबा सुनने को नहीं मिलता है। तो इन इन जो ये मौलाना है जो औरतों को मशीन समझते हैं, उनके हुकूक उनको नहीं अदा होने देते हैं जो शरीयत ने उनको दे रखा है। मैं और ये आज के चैनल से, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि सरकार से भी अपील करता हूं कि औरतों को मस्जिदों में नमाज पढ़ने की शरीयत के हिसाब से इजाजत दी जाए, जो शरीयत ने नियम रखा है उसके हिसाब सुन्नी मुस्लिम महिलाओं को नमाज पढ़ने की इजाजत। जब महिलाएं नमाज पढ़ने जाएंगी तो आपको डर, आप देखिए कितनी बड़ी बात यह है कि इसलिए रोक दिया कि साहब मेरी नीयत खराब हो जाए। अरे ये कौन सी बात है, इसलिए रोका, मतलब नमाज पढ़ने जा रहे हो, अल्लाह के सामने झुकने जा रहे हो, अल्लाह के सामने सर झुकाने जा रहे हो और आप बता रहे हो साहब हमारी नियत खराब हो जाएगी। यही इस्लाम सिखाता है आपको कि आपकी नियत खराब हो जाएगी, औरतें मस्जिद में आ जाएंगी तो घर की औरतें कहां से सुरक्षित होंगी आपसे। देखिए जिस देश के अंदर तीन चार महीने की बच्ची से लेकर, बोला हमारी पार्टी से, जिस देश के अंदर तीन चार महीने की बच्ची से लेकर 80 साल 85 साल की महिला के साथ ही बलात्कार होता हो, जिस देश के अंदर महिला कपड़े में है या कैसे भी कपड़े में उसका बलात्कार होता है, बुरखा ओढ़े हो जब मुझे पहले बलात्कार होता है, तो उस देश में महिलाओं को दोष देना कि वो रात में ना निकले और उनको वो यहाँ नहीं होना चाहिए, सब बेकार की बातें हैं। आदमी के अंदर खुद दोष है, वो अपने आप के दोष को निकाले, उसको दूर करे और महिलाओं को सम्मान के साथ देखे। हर व्यक्ति, मैं कहता हूँ हर व्यक्ति जो है, किसी कोई भी व्यक्ति दुनिया में ऐसा नहीं होगा जो बिना माँ के हो, हर आदमी जो है वो माँ होना है। इस्लाम में भी हम देखा कि हजरत ईसा अलैहि सलाम थे लेकिन उनकी माँ हजरत मरियम थी और उनको फादर ईसा मसीह को जो फादर, बहुत से लोगों ने गॉड उनके फादर इस्लाम उनको खैर नहीं मानता, लेकिन जो मदर मैरी थी, जो मरियम थी, हजरत मरियम वो उनकी माँ थी, तो उनको बड़े इस्लाम में उनके पूरा सूरा उतारा गया है, सूरह मरियम उसके पूरा है जिसमें उनका जिक्र है। तो इस्लाम ने तो बहुत इज्जत की है औरतों की, बड़ा उनको वक्त दिया है, उनको ताहिर भाई उनको वो दिया है, लेकिन हम समझ पाए तब तो। ताहिर भाई यहाँ पर सफार भाई जो बोल रहे हैं कि यहाँ पर अगर वास्तव में व्यवस्था बेहतर कर रहे हैं तो इस तरह बयानबाजों का समर्थन तो होना ही नहीं चाहिए। उसी चीज उन्होंने ये भी कहा कि मस्जिदों में भी महिलाओं को यहाँ पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए, उनको नमाज पढ़ने की इजाज़त होनी चाहिए। हालांकि तकी भाई ने बताया है कि कुछ मस्जिदों में ये अलाउ है और ये इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, पर सब जगह ऐसा क्यों नहीं है? जी बात ये होती है जी जिस देश के अंदर ढाई महीने की बच्ची के साथ रेप हो जाए, जिस देश के अंदर 80 साल बूढ़ी औरत के साथ रेप हो जाए, जिस देश के अंदर पागल विचित्र महिला के साथ रेप हो जाए, तो ऐसी एक मैं उनकी बात को सुन रहा था कि इस्लाम जो है महिला को प्रोटेक्ट करता है। अच्छा। प्रोटेक्ट क्यों करता है महिला को? अच्छा। इस वजह से कि महिला एक हसास और एक नाजुक उसको माना गया है इस्लाम में। अच्छा। तो उसको जब उसका प्रोटेक्शन है ना कि उस पर रुकावट है। अच्छा। और ये भी बात है कि महिलाओं को कितना अधिकार इस्लाम में दिया गया है। खातून जन्नत की एक महिला है, और महिला को इतना अधिकार दिया गया है जी कि उसके पैरों के नीचे जन्नत है। अच्छा। बाप के पैरों के नीचे जन्नत नहीं है, मर्द के पैरों के नीचे जन्नत। जी की आवाज कर रही है। जब देश के संविधान हमको इजाजत देता है और हम भारत के लोकतांत्रिक देश में रहे जी, तो मैं ऐसे बयानों को एज ए इस्लाम का पार्ट तो मान सकता हूँ, लेकिन इस बयान का भारत देश में संविधान में कोई जो है न तो रुकावट है ना इस्लाम इस बयान का कोई इस बयान का कोई मायने रखता है। जावेद जो हमारे उनके सॉरी जो जावेद है उनके बयान पे क्या कहेंगे? उन्होंने कहा है कि कई साझा कर सकती हैं कॉमन सिविल लॉ के मुताबिक। देखिए ये भी एक बात आपको बताएं कि जैसे कि ये अधिकार महिलाओं का है जी। अब जब हमारे देश के संविधान में अभिव्यक्त की आजादी है, जीने का अधिकार है जी। ठीक है,
खाने का अधिकार है, पहनने का अधिकार है, हर चीज का अलग अलग संविधानिक जो है आर्टिकल्स हैं हमारे। ऐसे अगर कोई महिला जब हमारे बीच में महिला महिला के बीच में शादी करने का अधिकार प्राप्त हो गया है और समलैंगिक का मैटर को खत्म कर दिया गया है, तो जैसे जावेद अहमद की ये अब ये सब चीजें इस वजह से है कि जावेद अहमद भी लाइमलाइट में बयानों में इतने दिनों से नहीं आए थे। जावेद साहब एक काबिल इंसान है, लेकिन जब इन्होंने कहा एक महिला 11-11 शादी कर ले तो कर सकती है, इस्लाम में होती है 11-11 शादियां, लेकिन एक टाइम में 11 मर्द के साथ थोड़ी ना रहती हैं। तो अगर एक समय में एक महिला 11 मर्दों के साथ अगर शादी में रहेगी, विवाह में रहेगी, तो आप सोचिए देश नहीं तो सोचिए उस महिला के साथ अत्याचार नहीं होगा क्या? उस महिला के अधिकारों के साथ हनन नहीं होगा? ठीक है, महिला 11 शादी कर सकती है, डाइवोर्स लेने के बाद उसकी शादियां होती नहीं है क्या? ये 11 नहीं 1100 शादियां कर सकती है। अच्छा, बिल्कुल। तो आप उनके बयान का समर्थन करते हैं? उनका बयान मैंने सुना नहीं है किस परिपेक्ष में आया है जी, डाइवोर्स लेने के बाद वो शादी कर सकती है 11 क्या 1100 कर सकती है जी, या एक टाइम में 11 मर्दों के साथ रह सकती है? ये भाई मेरे अभी जो है उनका बयान मैंने सुना नहीं, तो इस वजह से मैं पूरा तरीके से क्लियर बात नहीं कर पाऊँ। अच्छा, पर बाकी जो इस तरह के जो बयान मौलानाओं ने दिए हैं गुजरात के और बरेली के, उन बयानों का आप समर्थन नहीं करते हो? आपके मुताबिक महिलाओं को यहाँ पर, मैं देश के संविधान का और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो दिए गए अधिकार हैं महिलाओं को और साथ में इस्लाम में जो दिए गए अधिकार हैं महिलाओं को, मैं उनका समर्थन करता हूँ। अब आप बताइए, महिला सीट हो जाएगी तो महिला ही तो लड़ेगी, कहाँ से जो है कोई पुरुष को महिला बना दिया जाए? सही बात है। ठीक है, सवाल भाई कुछ कह रहे थे आप, बस सवाल भाई कुछ कह रहे थे आप। हाँ, आप कहना यह चाह रहा था कि आप देखिए जो ये जो मौलाना है, जो चाहे मौलाना नहीं है, ताहिर सिद्दीकी भाई हमारे नारीते पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, ताहिर भाई से तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि भाई आपकी मस्जिद में हक दिया है औरतों को नमाज पढ़ने का, तो जो हमारे मौलाना है आवाज आप भी उठा दीजिए, वो भी मस्जिद में जाने लगे जी भाई, वो भी नमाज पढ़े जाके। और जो इस तरह के मौलाना है जिनकी नीयतें खराब हो जाती है उनको मस्जिद से बाहर कर दिया जाए। आप बताइए, 14 साल पढ़ के आलिमत की डिग्री लेते हैं, 20 साल पढ़ के मुफ्ती की डिग्री लेते हैं, अगर महिला मस्जिद में नमाज पढ़ने चली जाएगी साहब उनका ईमान खराब हो जाएगा जी। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, मौलाना से मस्जिद में जाने से अगर ईमान खराब हो रहा है, अगर उनके घर में बहू बेटियां हैं तो उसमें ईमान सुरक्षित रहेगा? तो किस तरीके से, वो भी तो महिला है, बहू बेटियां भी तो खराब महिलाएं होती है, शैतान है, दिमाग में बढ़िया बात डालता है। यहाँ पर अल्लाह का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि मैं भारत जैसे देश में रह रहा हूँ। अगर मैं भारत में अगर ये हिंदू राष्ट्र ना होता तो मैं सारी अस्मिता बना देते ये लोग। समर भाई कुछ बोल रहे हैं कि महिला मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकती, ताहिर भाई कुछ बोल रहे हैं, आप बिना वजह की बात कर रहे हैं, ताहिर भाई अधिकार दीजिए। अच्छा ताहिर भाई, मैं सुनना चाह रहा हूँ। देखिये मैं एक बात, ताहिर भाई क्या बोल रहे हैं आप बताइए। ताहिर भाई देखिए, मैंने कहा मस्जिद में महिलाओं को रोका ही नहीं गया जी, लखनऊ की जितनी महिलाएं हैं वो मस्जिद में नमाज पढ़ने जाएंगी जी। आप बोलिए टीवी पर, हम काजी तो नहीं है शहर के, इतना बड़ा मदरसा है, नदवा से फतवा जारी हो कि मुस्लिम महिलाएं लखनऊ की या उत्तर प्रदेश की मस्जिद में नमाज पढ़ेंगी, जारी करवाइए इनसे। मैं कह रहा हूँ ये तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं हिंदू राष्ट्र में पैदा हुआ हूँ, वरना ये सीरिया होता अब तक मैं किसी आतंकवादी की गोली का शिकार हो गया होता। देखिए सीरिया को क्या बना दिया, ये वही लोग हैं इस देश के अंदर। अच्छा, ये वही लोग हैं इस देश के अंदर जो महिलाओं के अधिकार को छीन रहे हैं, जो शरीयत में दे रखे हैं जी। तीन तलाक क्यों होता है मुसलमानों को, अगर औरतों को हुकूमत देते तो तलाक होती नहीं है? शहबाज हुसैन साहब, थोड़ा सा बाबा राम रहीम, बाबा राम, बाबा आशाराम के बारे में बात कर लिए, चिन्मयानंद के बारे में बात कर लिए, आप लगातार एक ही वर्ग के लोगों को हिदायत किए जा रहे हैं, आदमी के अंदर आदमी के अंदर मिलेंगे, तो आप एक तरफ एक तरफ ही बात क्यों कर रहे हैं? जो आदमी का जिनका जिनका उन्होंने जो सामने आया, सबने देखा क्या क्या कांड हुए, किस तरह के लोगों को पढ़ा गया है, जो लोग इस तरह के कामों में आते हैं, मौलानाओं ने जुमे की नमाज पे कहा कि औरतें घर में खाना नहीं बनाएंगी, बेटियों से खिदमत करवाइए, किस मौलाना ने कहा मुझे बताइए? आज
मैं तो दावे से कहता हूँ इतर प्रदेश के मुख्यमंत्री और मौलाना है, अगर ये बयान देते, अगर ये बयान दे इनमें हिम्मत हो पाएंगे कि कोई भी औरत अपनी औरत से खड़ा नहीं बनवाएगा, अपने माँ बाप के लिए काम करेगा। बयान चलिए, बहुत चुनाव के, सुनिए, चुनाव के लिए बहुत पत्र देते हैं, पैसा देते हैं, चुनाव के लिए बहुत पत्र देते हैं कि जो बीजेपी आ रहा है, ठीक है बारी 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 से भाई भाई अक्सर बोले मजा नहीं आ रहा भैया से भाई कुछ कह रहे हैं कि आप लोग राम रहीम और आसाराम की बात क्यों कर रहे हैं, एक ही पर कोई टारगेट? देखिए भाई, देखिए वो सनातन धर्म के मानने वाले हैं, उनके धर्म के लोग उनसे जवाब मांगेंगे। यहाँ पर मुस्लिम महिलाओं की मुस्लिम महिलाओं की बात करिए, कानून ने मुस्लिम महिलाओं की बात करिए, मुस्लिम महिलाओं की बात करिए, आपको जाति में धर्म में क्यों बांट रहे हैं आप? भारत मैं जाति धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मौलाना ने मैं भारत का नागरिक हूँ, मुझे फक्र है कि मैं भारत का नागरिक हूँ, मुझे फक्र है कि मैं भारत का नागरिक हूँ, मुझे फक्र है कि मैं भारत का नागरिक हूँ, मुझे फक्र है कि मैं भारत का नागरिक हूँ, और आपको भी फक्र होना चाहिए कि आप भारत के नागरिक हैं। मुझे मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि आप टीवी पर बोलिए कि महिलाओं को पति से नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाएगी, इस पर कानून बनाया जाएगा। बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए, इस बात पर सैयद मोहम्मद तकी हमारी पार्टी प्रवक्ता है, वो कह रहे हैं कि आप केवल मुसलमान वर्ग के लिए क्यों बोल रहे हैं, मौलानाओं के लिए जो आसाराम बापू है, राम रहीम इनके लिए? गौरव भाई आज की जो डिबेट है, ये तकिया नूसी मौलानाओं ने बयान दिया कि महिलाएं चुनाव में हिस्सा ना लें, मुस्लिम महिलाएं राजनीतिक चुनाव में हिस्सा ना लें, इस पर डिबेट हो रही है। बाबा आसाराम बापू पर और रामदेव पर जब डिबेट होगी, उस पर मैं बोलूंगा। आज मैं मुस्लिम महिलाओं के ऊपर बात बुलाया गया, मैं उस पर बोल रहा हूँ, मुस्लिम महिलाओं को मस्जिद में नमाज पर प्रतिबंध क्यों? बताइए तकी भाई, इसका जवाब दीजिए। तीन तलाक पर कानून बनाया, और बहुत जल्द मैं अपनी सरकार से निवेदन करता हूँ कि मुस्लिम महिलाओं को मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए, और जिन महिलाओं की नियत खराब होती है उनकी आंखें फोड़ दी जाए। अच्छा, देखिए आज बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जो है, ये जो भाई साहब जो बार बार आंखें फोड़ दी जाए जिनकी नियत खराब होती है, ये एक ऐसी बात गंडे की बात कर रहे हैं। प्रतिबंध कब है? अरे जब कोई प्रतिबंध किसी पर होता है तब वो बंद हटाया जाता है, जब प्रतिबंध ही नहीं। ये प्रतिबंध है, आप जाइए बताइए मुझे कौन सी बात, जाइए बताइए कितनी मस्जिदों में नमाज पढ़ी जाती है। तकी साहब जिन मस्जिदों का नाम ले रहे हैं वो हमारे मतलब से अलग है। मैं सुन्नी समाज से आता हूँ, मैं सुन्नी मौलाना सुन्नी मुफ्तियों, ये जो बयान दिया है सुन्नी मौलाना ने दिया है, सुन्नी मुफ्तियों ने दिया, सुन्नी मौलाना ने दिया। भाई साहब वही बंदा है, अगर मस्जिद में चले गए नमाज पढ़ने तो उसको धक्के देके बाहर निकाल देंगे। लिखा हुआ या सभी समुदाय के लोग, सभी वर्गों के लोग, सभी मुसलमान पूरी इज्जत के साथ अपनी नमाज अदा कर सकते हैं, उसमें ये नहीं लिखा शिया सुन्नी के लिए। अच्छा, वो नसासी मस्जिद में सभी लोगों का वेलकम किया गया है। अच्छा, सबका इस्तकबाल किया गया है। वो आसमी मस्जिद सबके लिए एक मिसाल बनी है, पूरे इस्लाम के लिए, पूरे इस्लाम को प्रेजेंट करती है, सभी मुसलमानों को प्रेजेंट करती है, वो सिर्फ शियाओं को प्रेजेंट नहीं करती। तो वहाँ जो संदेश दिया गया है सभी सभी मुसलमानों को दिया गया है, और शादी करने साहब ने एक साथ नमाज पढ़ी शिया सुन्नी की। भाई मैं शिया मसलक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सुन्नी मसलक की बात कर रहा हूँ। आप शिया सुन्नी में ना बांटिए इस्लाम को, आप इस्लाम के लोग देखिए, जब ऊपर रसूल सल्लम ने फर्क नहीं किया शिया सुन्नी में, आप शिया सुन्नी में बात कर रहे हैं? कभी आप पसंदीदा समाज की बात करते हैं, कभी शिया सुन्नी समाज की बात करते हैं, आप इस्लाम को इतना बांटना क्यों चाहते हैं? इस्लाम की बात क्यों करना चाहते हैं? आप भी भाजपा के ऊपर चल रहे हैं, आप भाजपा के ऊपर चलते हैं, इसलिए आपके जो पार्टी लोगों को जाति के अंदर, धर्म के अंदर, भाषा के अंदर, रंग के अंदर, जबान के अंदर, क्षेत्र के अंदर, परिवार के अंदर, उसी तरह लोगों को बांट रहे हैं, सुन्नी मस्जिदों की बात कर रहा हूँ, सुन्नी मस्जिदों की बात कर रहा हूँ, सुन्नी मस्जिदों की बात कर रहा हूँ। अरे आज तो ना करिए, आज बाबा भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि है, आज तो बख्श दीजिए, आज तो समाज को ना बांटिए, आज तो देश को ना बांटिए, आज तो एक होकर बात करिए, आज एक समाज की बात करिए, एक देश की बात करिए, सबके अधिकारों की बात करिए। आज के दिन आप देश को बांट रहे हैं, कितनी गलत बात है। तकी भाई मैं बांट नहीं रहा हूँ, तकी भाई मैं बांट नहीं रहा हूँ, मैं बांटने की बात कर रहा हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ, जो टीवी वाले मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, आपकी भी मैं बांटने की बात पढ़ने जाएंगे। जवाब दीजिए मुझे, जवाब दीजिए मुझे, जवाब दीजिए मुझे, जवाब दीजिए। पीले वाली मस्जिद में जो लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, आपकी मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे, 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 नही
चाहे किसी धर्म का किसी जाति का सफार भाई कहीं करने वाला हो। सफार भाई तकी भाई बोल रहे हैं, सफीर भाई तकी भाई बोल रहे हैं कि आप बीजेपी नेता है, उस तरह से क्यों बांट रहे हैं भाई धर्म की और सिया सुन्नी की। और गौरव भाई मैं बांटने की बात नहीं कर रहा हूँ तकी भाई से, मैंने निवेदन किया कि मैं ये चाहता हूँ जिन्होंने ये बात की। देखिये गौरव भाई आप इसकी नजाकत को आप नहीं समझ रहे जी। मैं कहता हूँ इनके बगल में टीले वाली मस्जिद है जिसको लक्ष्मण टीला कहा जाता है, लक्ष्मण टीले वाली मस्जिद में कहूंगा, उसमें जो लोग जुमे को नमाज पढ़ने आते हैं क्या वो लोग सामने इमाम बाड़े वाली आसमी मस्जिद है क्या ये लोग वहाँ नमाज पढ़ने जाएंगे? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जवाब यही देंगे कि नहीं जाएंगे। मैं बांटने का काम नहीं कर रहा हूँ, मैं इनसे कह रहा हूँ कि लखनऊ में जो सुन्नी मस्जिदें हैं उन महिलाओं को, सुन्नी महिलाओं को उस मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत क्यों नहीं? एक भी सुन्नी महिला अगर मस्जिद पे चली गई तो इमाम साहब निकाल के बाहर कर देंगे क्योंकि उनकी नियत खराब हो जाएगी। अच्छा, फिर नियत खराब हो जाएगी। भाई किस नियत खराब होने बोल रहे? सबसे बड़े तो नियत के खराब तो यही लग रहा है क्योंकि जो बार बार नियत 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 का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वक्त आपको जो है दो लोगों में बांटने की नियत आपकी खराब है। अच्छा, आप ये बताइए टीले वाली मस्जिद में औरतें नमाज नहीं पढ़ती क्या? टीले वाली मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ती है औरतें? अब आप ये बताइए, आप अपनी 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 बीवी से या आप टीले वाली मस्जिद में बाजार बनी है, आप बाजार खाना नहीं बनवाते हैं, नमाज पढ़ने नहीं जाती है, अपने पिता को खाना नहीं बनवाते या आप मान्यवर जो मैं कह रहा हूँ सुनिए, वहाँ पर बाजार पर महिलाएं जाती है नमाज पढ़ने नहीं जाती है। किसने कह दिया? ये बहुत बड़ा मसला है और प्रतिबंध लगा रखा है सुन्नी कभी जुमे को सुन्नी मुस्लिम महिलाओं पर प्रतिबंध मुसलमान तो ठीक से जानते नहीं बताइए आप पहले इस्लाम को भाई अपनी बात पूरी करिए, बारी बारी बोलिए, समय कम है, बोलिए बोलिए। देखिए भाई गौरव भाई चिल्लाने से काम नहीं चलेगा, तकी भाई का ये पूरी पूरी दुनिया का मसला है, ये हिंदुस्तान का नहीं पूरी दुनिया का मसला है, इनका मसला और हमारा मसला अलग है ठीक है, हमारी शरीयत अलग है, तकी भाई की शरीयत अलग है, ये एक कड़वी सच्चाई है। अच्छा, इस्लाम में यही से दो फिरके हो गए, अच्छा, शिया और सुन्नी, जिसको मैं कहना नहीं चाह रहा था। अच्छा, मैं यहाँ पर जो बयान दिया है मुस्लिम महिलाओं का विरोध किया है वो सुन्नी मुसलमानों की, मैं सुन्नी सुन्नी तकी भाई पूरी बात बोलने दीजिए, मेरी पूरी बात हो जाए उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। ये सुन्नी मौलानाओं ने बयान दिया है कि मुस्लिम महिलाएं चुनाव न लड़े, ये शरीयत के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ ये भी है कि मुस्लिम महिलाएं वहाँ पर नमाज पढ़े उन पर प्रतिबंध लगाया, ये भी विरोध है, इसका विरोध है, मैं इसका समर्थन करता हूँ कि सुन्नी मुस्लिम महिलाओं को मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए। और ये जो मुफ्तियों ने बयान दिया है बरेली वाले हो चाहे देवबंद वाले हो चाहे नदवे वाले हो, ये इसका समर्थन करें और एक बयान जारी करें कि मुस्लिम महिलाओं को इजाजत दी जाती है कि मस्जिद में आकर नमाज पढ़ें। सबका क़िबला एक है, सबका अरे क्या बात करेंगे, एक है सबका, क्या बात करेंगे, क्या बात करेंगे, क्या बात करेंगे यार सब इतनी सारी एक गौरव भाई किसी सुन्नी मौलाना को बुलाते हैं इस पे हजारों बजा लिया आपने, सुन्नियों के अंदर एक बजा लिया आपने, सुन्नी मौलाना बिल्कुल एक नहीं, सुन्नी मौलाना को बुलाना चाहिए, एक काबे को मानते वाले, काबे मदीने को मानते, 30 रोजे रखते, कुरान शरीफ पढ़ते, सुन्नी दंगा का होता है मालूम है, सब एक सब एक आप लोग बांट रहे हैं, यही सुन्नी मौलाना दंगा करवाते हैं, बांटा है जाति में धर्म में, वही काम कर रहे हैं आप बीजेपी के मुसलमानों में, आप जवाब देना पड़ेगा, चाहे शिया सुन्नी हो चाहे ब्राह्मण हो दलित हो
चाहे छत्री हो, सब एक है, भारत एक देश है, सबका देश है। ठीक है, ये गलत बात करते हैं आप। पूजा पूजा पद्धति अलग अलग है, पूजा पद्धति सबकी अलग है, पूजा पद्धति सबकी अलग है, पूजा पद्धति सबकी अलग है, पूजा पद्धति आपकी अलग है, पूजा पद्धति सबकी अलग है। आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए माफी मांगी आप, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, हो गया भाई, हो गया हो गया हो गया। ठीक है ठीक है, समरसन भाई तकी भाई बोल रहे हैं, माफी मांग लीजिए भैया। जी माफी का मतलब नहीं है यहाँ पर, हमारे जो बात मैं कह रहा हूँ उसको जो है उल्टे तरीके से पेश किया जा रहा है। मैं तकी भाई से पूछ रहा हूँ, मैं तकी भाई से पूछ रहा हूँ, मैं तकी भाई से फिरके से फिरके में उलमा के बांटे फिरके में, हमारे फिरके में, फिरके में बांटने वाले उलमा है, फिरके में बांटने वाले उलमा है, चिश्ती है, कारी है, क्या बांटते हैं, बांटते हैं, मैं नहीं बांटता फिरके में, मुझे नहीं मालूम फिरके में बांटने वाला, क्या बांटते हैं आप, इन मौलाना ने बताया कि चौबंदी कौन होता है, मौलाना ने बताया कि शिया कौन होता है, मौलाना ने बताया कि कुरैशी कौन होता है, फिरके में बांटने वाले मौलाना है, इन मौलानाओं की दिमाग दुकान बंद होने वाली है, 24 के चुनाव के बाद ये हिंदू ये भारत जो है वो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा और इन जैसे उलमाओं के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी, सारी दुकानें बंद हो जाएंगी 24 के चुनाव के बाद, हिंदू राष्ट्र घोषित होने वाला है, 24 के चुनाव के बाद भारत हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, 24 के चुनाव के बाद तो यहाँ पर चर्चा थी कि किस तरह से यहाँ पर जिस तरह मुस्लिम महिलाओं के लिए यहाँ पर अहमदाबाद से बयानबाजी शुरू हुई और बयानबाजी शुरू होकर फिर बयानबाजी उत्तर प्रदेश आई और बरेली के एक मौलाना ने इस पर समर्थन दिया। मुस्लिम महिलाओं को यहाँ पर क्या अधिकार मिलना चाहिए क्या नहीं मिलना चाहिए वो धर्म की बात नहीं, उनकी व्यवस्थाएं अलग हैं, पर यहाँ पर जब हमारा देश एक है, देश का संविधान एक है, संविधान बताता है कि हमारे देश के विकास में जितनी पुरुषों की भूमिका है उतनी महिलाओं की भूमिका भी है, बड़े बड़े पदों पर महिलाएं काम कर रही हैं और पहले भी बड़े बड़े पदों पर महिलाओं ने इतिहास बनाया है, बड़े बड़े युद्धों को महिलाओं ने लड़ा है और ये बताया है कि हाँ हम नारी हैं और नारी शक्ति के रूप में पहचाने जाते हैं, चाहे 1857 का रानी लक्ष्मीबाई का संग्राम देख लें और चाहे आयरन लेडी इंदिरा गांधी को देख लें और चाहे आज की देश की प्रथम नागरिक प्रथम महिला द्रौपदी मुर्मू को देख लें, बड़े बड़े पद और बड़ी बड़ी प्रतिष्ठा और बड़े बड़े कामों को यहाँ पर हमारे देश की महिलाओं ने किया है, वहाँ पर इस तरह के बयान देना ये बात स्पष्ट दिखाता है कि आज भी हमारे समाज के कुछ लोग महिलाओं को पीछे रखना चाहते हैं, पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते देखना उनको शायद मंजूर नहीं है, पर ये भूल जाते हैं कि महिला ही जननी है, महिला ही शक्ति है और महिला ही विकास की धारा में आपका साथ देकर चलने वाली वो आधी आबादी है जिस पर हमारे देश की विकास भी टिका है, आधार भी टिका है और देश की संस्कृति भी टिकी है। तो जुड़े रहिए और साथ रहिए और देश के हर नागरिक को उतना समान अधिकार है, उतनी यहाँ पर व्यवस्था है कि आगे बढ़ते रहिए, चुनाव भी लड़िए और देश का क्या पूरे विश्व में देश भारत देश का प्रतिनिधित्व करिए, क्योंकि व्यवस्था हमारे संविधान ने हमको दी है और इस तरह के बयानों के लिए हमारे देश की समाज में, हमारे देश के संविधान में और हमारे देश की राजनीति में कोई जगह नहीं है। तो आज की चर्चा में इतना ही, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।